आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राजमहल गंगा में लगाई डुबकी और की पूजा अर्चना। वहीं राजमहल उत्तर वाहिनी गंगा किनारे माघी पूर्णिमा में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं आज सुबह के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी गंगा स्नान किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बना था तब मैं इस राजकीय माघी मेला में आया था और गंगा स्नान किया, फिर आज 21 वर्ष गंगा स्नान करने का मौका मिला। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी इस मेले में व्यवस्था सही नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जो श्रद्धालु यहां आते हैं उसकी रहने की रात को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु बंधुओं को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, और साथ ही समस्त झारखंड वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वर्षों के बाद माघी पूर्णिमा में हम यहाँ उपस्थित हैं। 8 फरवरी 2001 को जब हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त, और उस समय हम गंगा में स्नान के बाद सर, और ये ध्यान में आया कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं गंगा स्नान करते हैं, और रात में ही लोग आते हैं, रात में ही लोग यहाँ आते हैं, लेकिन देख करके लगा कि थोड़ी सी राहुल भी हाथ आ रहा है, दिक्कतें हैं, तकलीफ है लोगों को, अपने लोगों से बात नहीं की, क्या यही तो खराब लगता है जहाँ पर एक तो लोगों को राहुल हाथ आ जा रहा है, कहना था कि कोई हाथ जब पर्याप्त सरकार को और बनाए, दूसरा कि रात में लोग आते हैं तो जगह जगह लोग रुकते हैं यात्रा पर, उसके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से जिसको मैंने अनुभव किया है, जो मैंने यहाँ लोगों से बातचीत करके समझ में बातें आई, तो हम भारत सरकार से भी नमामि गंगे के तहत और राज्य सरकार से हम जरूर बात करेंगे और चाहेंगे कि भाई यहाँ पर श्रद्धालुओं को व्यवस्था ठीक ठाक हो, तकलीफ। तो 20 साल पहले एक वादा था गंगा पुल का जो आपने किया था, और विधानसभा चुनाव जितने भी आते हैं उसमें गंगा पुल को लेकर हमेशा वादा किया जाता है, अभी तक ये सिर्फ वादा ही है, जमीनी हकीकत में कोई भी कार्य नहीं किया गया। देखिए, आपने देखा होगा कि 20 साल पहले भी हमने कहा था, और चूँकि हम बहुत कम समय रहे और उस समय काफ़ी बन भी गया, तो पहले तय था कि पहले साहेबगंज मनिहारी घाट पर गंगा के पुल बन जाए और उसके बाद राजमहल घाट पर गंगा पुल बन जाए। 2019 तो मैं कह सकता हूं कि साहेबगंज पर तो पुल बनना प्रारंभ हो गया और लोगों ने बताया काफ़ी तेजी से काम चल रहा है, कल हम जाकर के उसका थोड़ा सा अवलोकन भी करेंगे, देखेंगे भी, और संभवतया 24 तक शायद बनकर तैयार भी हो। लेकिन मैंने कहा कि राजमहल में गंगा के पुल निश्चित रूप से बननी चाहिए और ये बंगाल से मालदा से जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से गेटवे जिसको बोलते हैं ना झारखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।